एवरीवन, आज हम कच्चे चावल और आलू से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है। देखिए इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाले भी खा सकते हो, सबको पसंद आएंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। अब चलिए देर किस बात की, मज़ेदार नाश्ता को कैसे बनाना है देखते हैं। 1 कप कच्चा चावल लेके 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे, पानी निकाल के ले लिया है, चावल सॉफ्ट हो गई हैं। मिक्सर जार ले लिया है, मिक्सर जार के अंदर चावल को ले लेंगे। 2 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, अगर खाते हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हो। 1/2 चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम पीस लेंगे, चावल को पीस के ले लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे। बाउल ले लिया है, 2 बॉयल आलू ले लिया है, छिलका हटा के आलू को हम ग्रेट करके ले लेंगे। आलू को ग्रेट करके ले लिया है, अब जो चावल पीस के रखे वो डालेंगे। 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, साथ ही हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी करी पत्ता डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, यही मसाले से नाश्ता बन के रेडी हो जाते हैं। सुबह शाम की भूख में हल्का फुल्का चटपटा कुछ खाना हो तो इस तरह की नाश्ता बनाइए, सबको पसंद आएंगे, सब मांग मांग कर खाएंगे। बेसिक सा रसोई में सामान होते हैं उसी से बना के दिखा रही हूँ। मिक्स कर लिया है, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे, फिर गोला करेंगे, फिर इस तरह से दबा लेंगे, टिक्की की शेप दे देंगे। आप अपना मनसा शेप दे सकते हो, आप जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। देखिए इसी तरह से सभी को बना के रेडी करेंगे। सभी नाश्ता को बना के रेडी कर लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है, अब नाश्ता को डालेंगे। मीडियम गर्म करके लेना है, ऑयल को डाल दिया है, इस तरह से हिला देंगे और एक साइड सिकने देंगे गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके। एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, आराम से पलटना है। पलट लिया है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे, इधर भी कलर चेंज हो गई है। पलट लिया है, अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है, 5 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में, गर्मी में अगर रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो भी खा सकते हो बना के। बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। इसको खाने के बाद समोसा कचौरी तो भूल ही जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रही हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारी सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे। पास से दिखा रही कितनी बढ़िया बनी है, इसी तरह से सभी नाश्ता को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, कितनी बढ़िया बनी है, देखिए कितनी क्रिस्पी बना है। सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। करती हो आपकी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अब चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं, बाय।